नमस्कार, गाजीपुर की दिन भर की सबसे बड़ी 5 खबरों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं जिले की पहली बड़ी खबर से। करंडा थाना क्षेत्र देवकली गंगा घाट पर शनिवार की सुबह स्नान करने गई एक महिला नदी में डूब गई। पुलिस ने गोताखोरों द्वारा महिला की तलाश शुरू की, लेकिन खबर तैयार करते वक्त तक कुछ पता नहीं चल सका। देवकली गांव निवासी स्वर्गीय नंदलाल राम की पत्नी तीजा देवी उम्र 50 अपनी पुत्री शिवानी उम्र 12 के साथ देवकली गंगा घाट पर स्नान करने के लिए गई थी, वहीं यह हादसा हुआ। गाजीपुर शहर के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में भी शनिवार को बकरीद का पर्व मनाया गया। कोरोना महामारी की वजह से प्रशासन ने मस्जिदों में नमाज पढ़ने पर प्रतिबंध लगाया है, इसलिए लोगों ने घरों में ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर नमाज अदा की। परंपरा के अनुसार कुर्बानी भी दी गई। घरों में बनी सेवई के साथ ही लोगों ने अन्य लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठाया। खंबा और तार टूटने से कासिमाबाद विद्युत उपकेंद्र से संबंधित फीडर से बिजली सप्लाई 3 दिनों से ठप थी। आक्रोशित दर्जनों उपभोक्ता शनिवार सुबह विद्युत उपकेंद्र पहुंच गए। जो फीडर चल रहा था उसकी आपूर्ति को भी बंद करा दिया गया। SDO संजीव कुमार भास्कर मौके पर पहुंचे और 60 दिन के अंदर पूरे फीडर की लाइन का तार बदलवाने का आश्वासन दिया। नंदगंज थाना क्षेत्र के पहाड़पुर चौराहा के पास शनिवार को गाजीपुर की तरफ जा रहा तेज रफ्तार डंपर खड़े ट्रक से टकरा गया। डंपर का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और ड्राइवर उसमें फंस गया। दुर्घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। लोग पुलिस को सूचना देने के बाद फंसे चालक को निकालने में जुट गए। बकरीद पर्व के मद्देनजर IG रेंज विजय सिंह मीणा ने पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ नगर में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान नगर के विश्वेश्वरगंज नखास टाउन हॉल पर शांति व्यवस्था का जायजा लेने के साथ ही मौजूद अधिकारियों को सुरक्षा व्यवस्था पर पैनी नजर रखने का आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया गया। हमारी ऐसी ही और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। गाजीपुर की ऐसी ही और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।